आज है 2 अगस्त और आज हमारी कामनी का अवार्ड सेरेमनी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। कामनी को कैश मिलेगा 50 लाख रुपए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये बैग साथ में ले लिया ताकि मैं रख के ला सकूँ। और कामनी देखो हमारी कितने स्टाइल मार रही है, कामनी स्टाइल मार रही है ना। मैंने बस इतना ही कह दिया स्टाइल मार रही है, इस बात पर रो गई है। आजकल के बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। ये यूँ कह रही कि मो तो यूँ मत क्यों, मैं स्टाइल मार रही, यही बात पर रो गई। जी बहन है, छोटी बहन खड़ी है, बड़ी बहन बैठी, बिल्कुल तरस नहीं आता। नीचे तो, नीचे तो। ऑलवेज बिजी ऑन फोन, इजी पड़ता है इन सब काम नहीं। के दोस्त को वेट कर रहे हैं हम लोग, वो लेट हो रही है थोड़ा, और हम भी लेट हो रहे हैं। लेट टाइम में बैठ गए, वीडियो कॉल चल रही है। गाइस देखिए ये है मेरी खुशी। अब तो ब्लॉग जरा, ये कामनी की खुशी है जो आई नहीं इसलिए कामनी दुखी है। हाँ ये मेरी खुशी है जो आई नहीं इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ आज। दिख रहा चेहरे की टचअप चल रहा है, टचअप है पीछे देख लो। अगर हम अपने शरीर के लिए कमिटेड हैं तो हम दूसरे के लिए कमिटेड होंगे, और अगर अपने लिए ही कमिटेड नहीं तो आपके लिए कैसे कमिट कर सकते हैं। माय सेकंड रिक्वेस्ट टू यू वुड बी सोशल मीडिया। इन द एरा ऑफ एबंडेंस इंफॉर्मेशन विजडम हैज बिकम अ कैजुअलिटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज महक जैन। I have secured all India Rank 70 in this year's UPSC examination. First of all, it's an absolute honor for me to be part of this ceremony and sharing the stage. तो काम नहीं बताइए आपको उसको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा वहाँ पे बहुत अच्छे से सम्मान किया, ज़्यादा दो थैलियाँ दी है हमें,
सम्मान दिया। चलो हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, हमारी मंटू भी आ गई, मैं तो रोने लगी। मैं कामनी कैसी उजड़ी चमन लग रही है, बाल कैसे बड़े बड़े से रखे नाई ना हो बीस दिन से। तो हम वापस आने के बाद सीधा डायरेक्ट चले गए थे कंप्यूटर क्लास, बहुत थक गए सच में। उसके बाद आके हम लेटे और हम सो गए एक घंटे के लिए, और जब उठे ना ऐसा लगा कोई नशा कर लिया हो। बिल्कुल अब तोते उड़ रहे थे, अब थोड़ा सा ठीक लगा, हमने खाना वाना खा लिया है। अभी मम्मी खाना खा रही हैं, भाभी बना रही हैं रोटी। एक ये देखो बेचारे थे, हमेशा सेम पोजीशन में, कभी कोई पुरानी वीडियो भी डाल देना कोई फर्क ना महसूस हो, ऐसे सोते पड़े रहते हैं। ये मम्मी एंड पार्टी बैठ के देख रहे हैं अनुपमा, थोड़ी देर बाद रोएंगे। और ये मैंने मजाक नहीं किया, सच में रोएंगे देख के, पता है लोगों का मुझे। A few moments later. हमारी मम्मी अनुपमा देखने के बाद इमोशनल हो गई कि पाखी ने अनुपमा को इतना बदतमीजी से क्यों बोला। ये देखिए सुनिए पाखी अनुपमा जी। मम्मी क्यों रो रही हो, ऐसी बदतमीज बेटी होने से तो भगवान बिना बेटी के रखे, वो बढ़िया है ना। मम्मी सीरियल है वो, एक्टिंग कर रहे हैं मम्मी वो लोग। ऐसी का एक्टिंग माँ कितनी मरी जा रही है, कितनी बदतमीज बने से बोल रही है मम्मी। वो एक्टिंग हो रही है मम्मी, शूटिंग हो रही है। उसको बोला कि उसको डायलॉग मिले ऐसा बोलने के लिए। चलो नहीं, अनुपमा उसकी सच्ची माँ नहीं है, वो नहीं, वो बस दिखा रहे, वो सब उसको दिखा रहे जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको बस स्क्रिप्ट मिली है, वो बोल रही है ऐसे नहीं करा उसने, मत रो। नहीं मतलब वो ये कहना जा रही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आज का व्लॉग इतना ही, आपने देखा हमारी माता कितनी इमोशनल हो जाती है अनुपमा को देख के। अब देखो ठीक है एकदम नॉर्मल क्या मम्मी, तो बोलो भाई, सब बोलो एक साथ गुड नाइट।